दोस्तों अभी तक आपने कुछ ऐसे ही बंदरों को देखा होगा, पर आज आपको दुनिया के ऐसे ऐसे बंदरों को दिखाने जा रहा हूं जिनको देख कर के आप कहोगे, वाह यार भाई क्या गजब वीडियो बनाते हो। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, सफेद मुंह वाला बंदर या फिर व्हाइट फेस्ड साकी। दोस्तों व्हाइट फेस्ड साकी सफेद मुंह वाले काले बंदर होते हैं और ये बंदर बहुत अजीब एकदम भूतों जैसे दिखाई पड़ते हैं। भाई वो 1.5 फुट जितने बड़े होने वाले ये बंदर ज़्यादातर ब्राज़ील और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में रहा करते हैं और नट्स फ्रूट्स खाकर जिंदगी बिताते हैं, पर कई बार ये कीड़े मकोड़े और चमगादड़ों को भी खा लिया करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इनके ये जो सामने के दांत होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर ज़रा इमेजिन करो, आप रात में जंगलों के बीच से जा रहे हो और वहाँ पेड़ पर ये बंदर बैठा दिखे बहुत से लोग तो इसे भूत समझकर भाग जाएंगे। नंबर 9, टारशियर। दोस्तों ये बंदर भी कम अजीबोगरीब नहीं होते। इन बहुत क्यूट से जानवरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंदरों की ही एक प्रजाति है। भाइयों टारशियर्स के बारे में कुछ ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। दरअसल इन बंदरों को हम इंसानों से इतनी नफरत होती है कि अगर इन्हें हमारे बीच रख दिया जाए तो ये डिप्रेशन के कारण पेड़ के तने पर सर मारकर सुसाइड कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये बंदर इतने ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं कि अगर इनको कोई दूसरा जानवर भी परेशान कर दे तो भी ये सुइसाइड कर लेते हैं। दोस्तों स्लॉथ के जैसे दिखाई पड़ने वाले ये बंदर फिलीपींस और सुमात्रा जैसे देशों में पाए जाते हैं, जिसमें ये रात में कीड़े मकोड़ों का शिकार कर अपनी जिंदगी चलाया करते हैं। नंबर 8, बाल डुकारी। भाई गंजापन सिर्फ हम इंसानों को होने वाली समस्या नहीं है बल्कि ये बंदरों में भी पाई जाती है। अब इनकी प्रजाति में ये कोई समस्या नहीं बल्कि इस प्रजाति के सभी बंदर होते ही ऐसे हैं। दोस्तों बहुत खतरनाक दिखाई पड़ने वाले ये बंदर पेरू, कंबोडिया, ब्राज़ील और अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जिसमें इनकी सबसे बड़ी पहचान इनका लाल मुंह और टकला सर होता है। दोस्तों इसी के साथ साथ इन बंदरों की बॉडी बालों के थिक कोट से ढकी हुई होती है। अब भले ही दोस्तों आपको इनका साइज ऐसे ही वीडियो में देखकर काफ़ी बड़ा ही क्यों ना लग रहा हो, पर ये भी 1.5 फुट जितने ही बड़े होते हैं और साथ ही इनकी पूंछ भी दूसरे बंदरों के मुकाबले बहुत छोटी और मोटी सी होती है। दोस्तों जब ये बंदर जवान और फिट होते हैं तब इनका चेहरा लाल होता है और जैसे ही ये बूढ़े या बीमार हो जाते हैं इनका चेहरा पेल रंग का हो जाता है। नंबर 7, जिलाडा। दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखाई पड़ने वाले बबून होते हैं। तो मिलिए जिलाडा नाम की प्रजाति के बंदरों से, जिनका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इनके ये बेहद खतरनाक दांत और ये बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है। दोस्तों इथोपियन हाईलैंड्स में पाए जाने वाले इन बंदरों को ब्लीडिंग हार्ट मंकीज के नाम से भी जाना जाता रहा है, क्योंकि इनके चेस्ट पर ये लाल निशान हुआ करता है। इतना ही नहीं, जहाँ दूसरे बंदर पेड़ों पर चढ़कर फलों और पत्तियों को खाया करते हैं वहीं ये घंटों ज़मीन पर बैठकर घास खाते हैं। यही चीज़ें इन्हें सबसे ज़्यादा अजीब बना देती है। दोस्तों ये बबून्स होते ही बड़े अजीब हैं। ऐसे ही इनकी एक प्रजाति है जो कि शेर के बच्चों को चुराती है और वो उन्हें ऊँचे ऊँचे पेड़ों पर ले जाकर वहाँ से फेंक देते हैं ताकि वो शेर के बच्चे बड़े होकर उन बंदरों का शिकार न कर सकें। नंबर 6, सीमांग। दोस्तों सीमांग्स को देखकर आपको गोरिल्लास की याद आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये मानो उनका सस्ता वर्जन हो, पर ये खुद भी गोरिल्लास से विचित्र नहीं है। दोस्तों ये बंदर इनके गले में पाए जाने वाले इस बलून की वजह से फेमस हैं, जो कि जैसे ही ये आवाज करते हैं फूल जाता है। दोस्तों अब ये कोई डिफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक तरह की एबिलिटी होती है, जिस वजह से ये जो भी बोलते हैं वो साउंड और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और लाउड हो जाता है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ये बंदर लगभग 3.5 फीट जितने लंबे और 14 किलोग्राम जितने वजनदार होते हैं। साथ ही इनकी उम्र लगभग 40 साल जितनी होती है।
दोस्तों, इनकी हरकतों को देखकर आप आसानी से ही बता सकते हो कि ये अग्रेसिव होते होंगे, और एक्चुअली ऐसा ही है दोस्तों। ये बंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, खासकर तब जब कोई इनके एरिया में एंटर हो जाता है। नंबर 5, गोल्डन स्नब नोज मंकी। दोस्तों अब जरा इन्हें देखो, ये है स्नीजिंग मंकी, और साथ ही इन्हें स्नब नोज मंकी भी कहा जाता है। भाइयों, म्यांमार और हिमालय पर्वत श्रृंखला में दिखने वाली ये बंदरों की बहुत ही अद्भुत प्रजाति है। इनके चेहरे की बनावट दूसरे बंदरों से बहुत अलग होती है, साथ ही इनकी नाक के तो क्या कहने। इनकी नाक दरअसल ऊपर की ओर उठी हुई होती है, तो जब भी बारिश होती है तो पानी इनकी नाक में घुस जाने की वजह से ये बहुत छींका करते हैं, उसी वजह से इनका नाम स्नीजिंग मंकी पड़ा है। पर आज इनका बहुत बड़ी तादाद में शिकार हो जाने के कारण ये पूरी दुनिया में मात्र 400 बंदरों से भी कम बचे हुए हैं, और एक बार तो इन्हें एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त करार दिया गया था, पर रिसर्च करने के बाद इन्हें हाईली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये बंदरों की काफी दुर्लभ प्रजाति है। नंबर 4, प्रोबिस्किस मंकी। भाइयों, बोर्नियो के जंगल में पाए जाने वाले ये बंदर बोर्नियो की जंगली नदियों और तालाब किनारे पाए जाते हैं। अब इन बंदरों को तो देखकर आप खुद ही समझ सकते हो कि क्यों मैंने इन्हें अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है। जी हाँ, इनकी इस बहुत लंबी पूंछ और सुनियों की तरह लंबी नाक की वजह से। दोस्तों जैसे हम इंसानों में लड़कियां लड़कों की फिटनेस और अच्छे फिजिक्स से इम्प्रेस होती है ना, वैसे ही इन बंदरों में इनकी नाक के साइज से फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। यानी कि जितनी बड़ी और लंबी नाक उतना ज्यादा अच्छा और तगड़ा फॉर्च्यून। दोस्तों जिस भी बंदर के पास बहुत लंबी नाक हो उसके लिए हर फीमेल मादा के घर के दरवाजे खुले हुए होते हैं। बता दूं, ये बंदर ज्यादातर पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं, और पेड़ों से नीचे बहुत कम, कभी कभार इमरजेंसी में ही उतरा करते हैं। नंबर 3, रेड शैंक ड्यूक। दोस्तों आप जिन बंदरों की प्रजाति को देखने जा रहे हो ना, इन्हें दुनिया के सबसे सुंदर बंदरों के नाम से भी जाना जाता है, तो मिलिए रेड शैंक ड्यूक नाम की इस प्रजाति के बंदरों से। भाइयों, इनके शरीर पर कई तरह के कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इनका चेहरा आधा पेल और आधा सफेद होता है, सर के बाल काले होते हैं और दाढ़ी सफेद होती है, पैर और पीठ पर लाल निशान होते हैं, और शक्ल भी काफी सुंदर होती है। दोस्तों इनकी पूंछ इनके शरीर से लंबी होती है, जो कि इनके बहुत काम आती है। अब मुझे पता चला कि टिकटॉक और रील्स के इन रंग बिरंगे नमूनों को मोटिवेशन कहां से मिलती है। नंबर 2, एम्परर टमारिन। क्यों भाई, कैसा दिख रहा है ये बंदर? हाँ, बंदर जैसा भी हो, पर जो इसकी मूंछ है ना, उसके क्या ही कहने। दोस्तों ये है एम्परर टमारिन। साउथ वेस्ट अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ये बंदर इनकी मूंछों की वजह से काफी फेमस हैं। दोस्तों इनका कद 1 फुट भी नहीं होता, पर मूंछें ऑलमोस्ट इनके मुंह से लंबी लंबी होती हैं। बता दूं, इनके बच्चों की इतनी लंबी मूंछें नहीं होती, पर जैसे ही वो एडल्ट हो जाया करते हैं उनकी भी ऐसी रौबदार मूंछें आ जाती हैं। दोस्तों ये बंदर काफी फ्रेंडली किस्म के होते हैं और काफी होशियार भी हुआ करते हैं, और क्योंकि ये इनकी मूंछों की वजह से राजा महाराजाओं जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे एम्परर शब्द लगाया गया है। नंबर 1, बफी टफ्टेड मर्मोसेट्स। तो ये है बफी टफ्टेड मर्मोसेट्स, और इनकी खासियत ये है कि ये इतने एंग्री और गुस्सेल दिखाई पड़ते हैं ना कि आप शायद ही इनसे आंखें मिलाना पसंद करोगे। दोस्तों ब्राजील में ही पाए जाने वाली ये मर्मोसेट्स बंदरों की एक प्रजाति होती है। अब जहां मर्मोसेट्स काफी क्यूट और प्यारे दिखाई पड़ते हैं, वहीं ये बंदर काफी खड़ूस और गुस्सेल किस्म के होते हैं। ऐसे ही हम जब क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तब एक अंकल भी ऐसा ही मुंह बनाकर देखा करते थे। और दोस्तों जानते हो ये बंदर भी आपको ऐसे क्यों देख रहा है? क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों बटन दबा देना, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।